good morning students this is a video of chapter number three understanding quadrilaterals of eighth class in this video i will discuss exercise 3.4 before going to start our exercise let us see few definitions first first definition is rhombus a rhombus is a special case of kite rhombus is a special case hota hai. the sides of a rhombus are of same length अब देखो काइट में क्या होता है काइट में एडजस्टेंट साइड्स इक्वल होती हैं एडजस्टेंट साइड मीन साफ सात वाली साइड इक्वल होती हैं इसमें और एक पेयर एंगल का इक्वल होता है देखो जब देखो ये चारों साइड्स को मैं इक्वल कर दूं यहाँ पे चारों इक्वल नहीं है जब चारों इक्वल हो जाएं तो मेरे पास क्या है रोमबस आ जाता है ठीक है और रोम्बस में क्या है ओपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं इस केस में यहाँ पे एक पेयर इक्वल होता है यहाँ पे दोनों पेयर इक्वल होते हैं ऑपोजिट राइट नाउ रोम्बस इज अ पैरलोग्राम रोम्बस क्या है एक पेरलोग्राम ही है सो so, रोम्बस जो है पैरलोग्राम वाली प्रॉपर्टीज भी फॉलो करता है और क्योंकि काइट का ही केस है सो so, काइट की प्रॉपर्टीज भी फॉलो करता है ये राइट सेकेंड है द डायगनल ऑफ ए रोम्बस आर पर पेंडिकुलर बाई सेक्टर्स ऑफ वन एन अदर जो डायगनल होते हैं रोम्बस के वो क्या होते हैं मैंने डायग्नल ड्रॉ किए रोम्बस के ए बी सी डी परपेंडिकुलर का मीनिंग है दिस एंगल ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है यहाँ पे परपेंडिकुलर मीन्स और बाइसेकटर्स मीन्स सपोज यहाँ पे ये यह जुड़ रहे हैं दिस पॉइंट इज ओ ओ ओ इज़ इक्ल्स टू ओ बी एंड ओ सी इज़ इक्ल्स टू ओ डी बाई सेक्ट मीन्स दो बराबर हिस्से बाई मीन्स टू यानी कि जहाँ पे ये जुड़ रहे हैं वहाँ से बिल्कुल बराबर दो हिस्से हो रहे हैं दोनों साइड्स पे देखो दोनों डायगनल्स वाली साइड ठीक है सो so, ये बाई सेक्टर्स का मीनिंग है नाउ नेक्स्ट कम टू डेफिनेशन नंबर टू रेक्टेंगल देखें पैरलोग्राम विद राइट एंगल यानी कि रेक्टेंगल क्या है एक पैरलोग्राम है जिसमें क्या है ओपोजिट साइड इक्वल एंड पैरल विद कंडीशन कौन सी ऐड होगी साथ में राइट एंगल यानी कि एंगल जिसमें क्या होते हैं चारों के चारों 90 डिग्री राइट ट्रेंगल में क्या होता है पैरोग्राम वाली प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं सारी देखो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरोग्राम होल्ड फॉर रिक्ट दूसरा है ईच एंगल इज अ राइट एंगल हर एंगल 90 डिग्री है थर्ड है डायगनल इसके क्या होते हैं इक्वल यानी कि ए सी डायगनल किसके इक्वल होगा बी डी के इक्वल राइट ना थर्ड डेफिनेशन क्या है स्केयर की है अ रिक्टेंगल विथ साइड ऑफ इक्वल लेंथ स्केयर क्या होता है अगर रेक्टेंगल की देखो चारों साइड्स क्या कर दें इक्वल कर दें तो मेरे पास क्या है स्केयर बन जाता है और इसमें स्केयर में क्या होते हैं चारों एंगल्स क्या होते हैं नाइन्टी डिग्री नाउ स्केयर फॉलो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केयर किस किस की प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है पहला पैरोग्राम की भी करता है रोम्बस की भी करता है और रेक्टेंगल की भी करता है यानी कि स्केयर रेक्टेंगल और तीसरा हमने पढ़ा है रोम्बस ये तीनों क्या है पैरोग्राम की प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं तीनों Now let us start with our exercise 3.4. पॉइंट first question, true or false. A part ए पार्ट है all rectangles are squares. देखो रिक्टेंगल ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पे एक स्केयर ड्रॉ कर लिया स्केयर थोड़ा सा बराबर ड्रॉ कर लो Now अब देखो स्केयर में क्या है चारों साइड्स इक्वल होती हैं रिक्टेंगल में ओपोजिट इक्वल होती हैं अब हमने देखना है कि रिक्टेंगल में स्केयर वाली प्रॉपर्टीज आ रही हैं या नहीं आ रही अब देखो रिक्टेंगल में स्केयर वाली कौन सी प्रॉपर्टी है स्केयर की चारों साइड्स इक्वल बट रिक्टेंगल में तो ये प्रॉपर्टी आई नहीं स्केयर वाली ठीक है इट मीन्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट ठीक है सेकेंड देखें ऑल रोम्बसेज आर पैरलोग्राम्स रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे एंड पैरलोग्राम ड्रॉ कर लिया मैंने अब मैंने चेक करना है रोमबस में पैरलोग्राम वाली प्रॉपर्टीज आ रही हैं या नहीं अब देखो पैरलोग्राम में क्या होती हैं ओपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरल एंड इक्वल इसमें भी देखो रामबस में क्या होती हैं ओपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरल भी होती हैं और इसमें ओपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल रोम्बस में भी क्या होते हैं ओपोजिट एंगल्स इक्वल सो so, इट मीन्स रोम्बस में पैरलोग्राम वाली सारी क्वालिटीज आ गई सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट ओल स्केयर्स आर रोम्बसिस स्केयर आर रोम्बसिस यानी कि स्केयर्स रोम्बसिस हो सकते हैं अब देखो रोम्बस में सबसे पहले देखें क्या है चारों साइड्स इक्वल स्केयर में भी क्या है चारों साइड्स इक्वल रोम्बस के ओपोजिट एंगल्स इक्वल इसमें भी क्या है ओपोजिट एंगल्स इक्वल सारे इक्वल होते हैं सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर देखो दो कट्ठी स्टेटमेंट्स भी हैं ऑल स्केयर्स आर रोम्बसिस अब ऑल स्केयर्स आर एक्ट एंगल्स ये देखते हैं स्केयर्स और रिक्टेंगल ड्रॉ कर लिया नाउ रिक्टेंगल में देखें ओपोजिट साइड्स इक्वल इसमें भी देखो ओपोजिट साइड्स इक्वल सारी इक्वल होती हैं वैसे इसमें और हर एक एंगल 90, इसमें भी क्या हैं सारे एंगल 90। सो दिस इज आल्सो ट्रू दोनों ट्रू हैं नेक्स्ट कम्स डी पार्ट ऑल स्केयर्स आर नॉट पैरोग्राम्स स्केयर ड्रा करेंगे दूसरा पैरलोग्राम बोला है अब देखो पैरलोग्राम में क्या है ओपोजिट साइड्स इक्वल और पैरल इसमें भी ओपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरल एंगल्स भी क्या होते हैं ओपोजिट इक्वल इसमें भी ओपोजिट इक्वल होंगे इट मीन्स क्वालिटीज हैं पर ये कह रहे हैं नॉट नॉट पैरलोग्राम्स इट मीन्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट कम टू ई पार्ट ऑल काइट्स आर रोम्बसेज काइट ड्रॉ कर लेते हैं ऑल काइट आर रोम्बस में इक्वल ड्रॉ करनी है अब देखो रोम्बस में क्या है चारों इक्वल हैं अब तो हमने चेक करना है काइट में रोमबस की क्वालिटीज हैं रोम्बस की क्वालिटी क्या है चारों इक्वल हैं बट काइट में तो चारों इक्वल नहीं है सो so, यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स राइट नेक्स्ट कम टू एफ पार्ट ऑल रोम्बसेज आर काइट अब देखो रोम्बस में क्या है काइट की क्वालिटीज़ हैं काइट की बिल्कुल हुएंगी काइट में क्या होता है मेरे पास एडजस्टेंट इक्वल अब देखो रॉम्बस में क्या है एडजस्टमेंट इक्वल होएंगी सारी इक्वल होती हैं इसमें इसमें क्या है हमारे पास ए की पेयर यहां पे इक्वल होता है यहां तो रॉम्बस में क्या है काइट की क्वालिटीज तो आएंगी प्लस एडिशनल क्वालिटीज भी हैं इसमें सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट राइट नाउ कम टू जी पार्ट जी पार्ट में देखें ऑल पैरलोग्राम्स आर ट्रिपेजियम सारे पेरलोग्राम्स जो हैं क्या हैं ट्रिपेजियम होते हैं नाउ ट्रिपेजियम में देखो क्या होता है ओपोजिट एक पेयर ओपोजिट ये साइड का पैरल होता है ठीक है? एक पेयर मेरे पास देखो पैरल साइड्स का मिल गया अब यहां पे भी देखो पैरल तो है यहां पे क्या है इसमें सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट एच पार्ट देखें ऑल स्केम सारे स्केयर जो है ट्रिपेजियम होते हैं अब ट्रिपेजियम में एक पेयर क्या है ओपोजिट साइड्स का पैरल है यहां पे भी तो एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल है इसमें एक तो है ही है दो है अदर सो so, एक वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट राइट सो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर टू आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ अब हमने क्वारिलेटर का नाम बताना है जिसमें क्या है चारों साइड्स इक्वल होती हैं अब चारों साइड्स इक्वल किस किस केस में होती हैं रोम्बस में और स्केयर में देखो हमने अभी प्रॉपर्टी स्टडी की है इनकी राइट बी पार्ट में वो कह रहे हैं फोर राइट एंगल्स चार राइट right एंगल्स होने चाहिए चार राइट एंगल्स सिर्फ दो ही केसेस में होते हैं स्केयर में और रेक्टेंगल के केस में राइट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्लेन हाउ अ स्केयर इज अ क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट पार्ट देखें स्केयर कॉर्डिलेट्रल कैसे है स्केयर इज ए कॉर्डिलेट्रल क्यों है क्योंकि उसकी क्या है फोर साइड्स हैं कॉर्डिलेटरल क्या होती हैं फोर साइड्स वाली फिगर को बोलते हैं सो सेकेंड पार्ट देखें हाउ स्केयर इज अ पैरलोग्राम स्केयर पैरलोग्राम कैसे है स्केयर पैरलोग्राम क्यों है क्योंकि वो पैरलोग्राम वाली प्रॉपर्टीज फॉलो करता है कौन कौन सी ओपोजिट साइड्स आर पैरेलल ओपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं स्केयर में और ओपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं राइट स्केयर रोम्बस कैसे है क्योंकि देखो वो रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है रोम्बस में क्या होती है चारों साइड इक्वल स्केयर में भी चारों साइड्स इक्वल रोम्बस के डायगनल बाइसेक्ट करते हैं राइट right एंगल के इसके भी करते हैं सो स्केयर इज अ रोम्बस लास्ट है स्केयर इज अ एंगल रिक्टेंगल कैसे है नाउ स्केयर इज अ एगल बिकॉज ईच इंटीरियर एंगल ऑफ स्केयर इज नाइंटी डिग्री क्योंकि उसका भी हरेक अंदर वाले सारे एंगल्स क्या है नाइनटी डिग्री सो स्केयर को हम क्या है रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि वो क्या है उसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है सारी नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर देखें नेम द क्वारेटर्स हुएगनल बाई सेक्ट ईच अदर अब हमने वो क्वारिलेटर्स के नेम बताने हैं जिसमें क्या है डायग्नल बाइसेकट करते हैं अब हमने पिछले वीडियो में पैरलोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पैरलोग्राम में क्या है डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं और अब देखो हमने इस वीडियो में क्या देखा है रोम्बस स्केयर और रेक्टेंगल क्या है पैरोग्राम की ही स्पेशल टाइप्स हैं सो ये तीनों क्या है पैरोग्राम वाली प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, करती हैं सो इन तीनों में भी क्या है डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे राइट right? नेक्स्ट है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर अब देखो रोम्बस और स्केयर में क्या है मैंने ड्रॉ किया है डायगनल देखो इसमें क्या होते हैं परपेंडिकुलर भी होते हैं दोनों के केस में और बाइसेक्ट भी करते हैं यानी कि ओ इक्वल टू ओ बी एंड ओसी इक्वल टू ओ डी दोनों केस में होता है राइट right? नेक्स्ट है डायगनल आर इक्वल डायगनल इक्वल किस केस में होते हैं रेक्टेंगल में और स्केयर के केस में क्योंकि स्केयर रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टीज होल्ड करता है तो स्केयर में भी क्या है डायगनल इक्वल होते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्लेन वाई अ रिक्टेंगल इज अ कन्वैक्स कॉर्डिलेटर अब कन्वैक्स कॉर्डिलेटरल क्या होता है अगर मैं जिस फिगर का पूछा है यहाँ पर देखो इन्होंने रिक्टेंगल का पूछा है अगर उसके मैं डायगनल्स ड्रा करूँ और डायगनल्स उसके अंदर ही लाई करें तो वो क्या होता है कन्वैक्स कॉर्डिलेटरल अब रिक्टेंगल के देखो मैंने यहाँ पर डायगनल्स ड्रा किए अब दोनों डायग्नल्स क्या हैं इन साइड लाई कर रहे हैं रिक्टेंगल की इट मीन्स रिक्टेंगल को क्या बोल सकते हैं हम कन्वेक्स क्वारडिलेटर दूसरा तरीका यह है चेक करने का कन्वेक्स अगर कोई भी दो पॉइंट्स लो उनकी जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग है वो भी अंदर ही कहीं पे भी देखो लाई करो कहीं पे भी ड्रॉ करोगे तो अंदर ही लाई करेगी ठीक है दोनों तरीकों से चेक कर सकते हैं ये हम ना हो कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सी क्वेश्चन नंबर सिक्स ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल नाइनटी डिग्री है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ओपोजिट टू द राइट एंगल यानी कि राइट एंगल के ओपोजिट जो साइड है ए सी ओ क्या है उसका सेंटर पॉइंट है मिड में है एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्व डिस्टेंस फ्राम ए बी एंड सी हमने बताना है कि ओ जो है ए से भी बी से भी और सी से भी बराबर डिस्टेंस पे है इक्व डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस हमने प्रूव करना है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी नाओ सबसे मैंने पहले मैंने क्या किया इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की है कि इसको एक रिक्टेंगल में चेंज कर दिया देखो जो बिल्कुल सेम ऐसे था सेम बी सी के पैरल ए डी ड्रा कर लिया बी सी पैरल टू ए डी एंड ए बी के पैरल मैंने क्या है डी सी ड्रॉ कर लिया ठीक है और इनकी लेंथ भी क्या है ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी ठीक है नाओ ये मेरे पास क्या है रिक्टेंगल बन गया नाओ ए बी सी डी इज ए एंगल क्या होगा इसका नाइन्टी डिग्री ओपोजिट साइड पैरल भी होंगी और इक्वल भी होंगी इसमें ठीक है अब देखो हमें रिक्टेंगल के डायग्नल्स के बारे में आ जाए अब ये डायग्नल का हिस्सा है डायग्नल्स के बारे में हमें क्या पता है कि इसके डायगनल रिक्टेंगल के क्या होते हैं इक्वल और बाइसेक्ट भी करते हैं इट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू बी डी होगा ए सी और बी डी इक्वल भी होंगे ऑल्सो ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी और बाइसे्ट भी करेंगे और इक्वल भी होंगे अगर देखो डायंगल्स ये दोनों इक्वल हैं इट मीन्स ये सारी चारों चीजें बराबर नहीं होंगी इट मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ सी ओ बी इज इक्वल टू ओ डी क्योंकि इनकी लेंथ भी इक्वल है सो so, चारों इक्वल होंगे इट मीन्स यहाँ से मैंने क्या कंक्लूड किया ओ जो है ए से बी से और सी से क्या है बराबर डिस्टेंस पे देखो इक्वल नहीं आ गई लेंथ सभी की राइट सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर सिक्स Now, in the next video, we will come with the next chapter. So, in the end, I would like to say thanks to all the students who are watching my video. Thanks, students.